तो हेलो गाइस, मैं किशन। तो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों को सोलर सिस्टम का कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस, हमारे पास है सोलर का ये इन्वर्टर जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये सोलर का इन्वर्टर, मिनी इन्वर्टर। तो मिनी सोलर सिस्टम कंप्लीट सेटअप करके दिखाऊंगा, और आप लोगों को बड़ा सोलर सिस्टम का कंप्लीट सेटअप देखना है तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो गाइस, अभी तो मैं केवल आप लोगों को ये नॉर्मल अभी जो मिनी सेटअप है वही करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इसे बोला जाता है कंट्रोलर, जो मेरे पास अभी एक्साइट कंपनी का ही है। तो इसमें किस तरीके से किए जाते हैं जो सारे कनेक्शन, वो कनेक्शन करके आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। तो गाइस, एक तो मेरे पास ये इन्वर्टर सोलर का इन्वर्टर, एक है मेरे पास ये लाइट के, यानी हमारा लाइट इन्वर्टर बोला जाता है इसे। यह होता है सोलर के माध्यम से चलता है। इसमें हमारे पावर केबल नहीं होती इस इन्वर्टर में, वो इसमें पावर केबल होती है। दोनों में डिफरेंट ये है, इसमें पावर केबल है, इसमें पावर केबल नहीं होती है। तो चलो इसको रखते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को ये सोलर सिस्टम है मेरे पास जो 20 वाट की है। सोलर सिस्टम, सोलर जो प्लेट है ये 20 वाट की है। तो अब इन्वर्टर ही इसमें, इस इन्वर्टर के सारे कनेक्शन समझा देता हूँ सबसे पहले किस तरीके से किए जाते हैं। तो इन्हें रखता हूँ एक बार साइड में और दिखाता हूँ आप लोगों को, इसे रखता हूँ साइड। तो ये हमारी बैटरी है, तो 12 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इसे कुछ इस तरीके से इस तरीके से लगा लेते हैं एक बार। आप लोग जब लगाओ इसे तो यहाँ पे इसे टाइट करना है। हमारे जब ये प्लस और माइनस टाइट होंगे तो हमारा कनेक्शन एकदम मजबूत हो पाएगा ये। तो इसे कुछ इस तरीके से एक बार मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ दिखाने के लिए। तो इस तरीके से आप एक बार इसे लगा लीजिए, और लगाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है इस तरीके से कर लीजिए। या आप लोगों का इन्वर्टर एक बार लग गया, यहाँ से इसे पावर से यहाँ से ऑन करना है। पावर से ऑन करने के बाद में आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे इसमें दो हमें यूएसबी पोर्ट मिलते हैं चार्जिंग के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए। साथ में यहाँ आप लोगों को 3 बत्ती हो रही है अभी। ये चार्ज हमारी ऑन के अंदर है, ये हमारी अवर लोड की, ये हमारी इससे हमारे जो ये लोग के माध्यम से, ये दोनों की कंट्रोलर के ऊपर है ये। और साथ में आप लोग देख पा रहे थे यहाँ तो मैंने दो ऑप्शन समझा दिए। यहाँ से आप लोग यहाँ से देख सकते हो हमें दो पोर्ट मिलते हैं। यहाँ भी हम कोई भी जो हमारा एसी बल्ब है या हमारा एसी कुछ भी आइटम है उसे चला सकते हैं, और जो हमें डीसी आइटम होगा वो डायरेक्ट हमें बैटरी से ही चलाना होगा। तो ये तो आप लोगों का हो गया एसी के माध्यम से चलाना हो कुछ ही चीज़। तो डीसी आइटम चलाने होंगे गाइस उनको, जो हमारी कंट्रोलर है इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। तो इन्वर्टर साइड में और इनके ऑप्शन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो जो हमारे प्लस का है ये सोलर प्लस का है, ये सोलर माइनस का है, बी हमारा जो बैटरी प्लस का है और बैटरी माइनस का है ये, और एल एल में हमारी लाइट, जो लाइट में देंगे हम जैसे इसमें दे सकते हैं, पंखे में दे सकते हैं, यानी जो भी हमारे लाइट के होंगे प्लस माइनस की यहाँ से पॉइंट लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके कनेक्शन कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये दो वायर हैं, तो इन वायरों को क्या सबसे पहले सोलर में लगा, सोलर के पॉइंट मेरे पास किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो अभी मैं ले रहा हूँ केवल बैटरी के दो पॉइंट, यहाँ से आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ से लीजिए आप लोग, ये पास वाला है बैटरी का, तो गाइस हमारी ये बैटरी के कनेक्शन हो गए। आप लोग देख पा रहे हो तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इतना ध्यान रखना है ये आप लोगों के गलत लग जाने पर यहाँ बैटरी से जो पावर आएगी तो इसे कंट्रोलर को ख़राब कर सकती है, तब इतना ध्यान रखना है। इस तरीके से जो हमारा ये प्लस है तो इसे प्लस के सिरे पे लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा छील लेते हैं एक बार। आप लोगों को टाइट लगाना होगा ये, मैं तो एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इसके सारे कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से इसे थोड़ा और छील लेते हैं। तो हमारा कंट्रोल अभी ऑन हो गया है, आप लोग देख सकते हो
कंट्रोलर में लाइट आ गई है। तो अभी बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण आप लोग देख पा रहे हो ये अवर लोड के ऊपर जो हमारी लाइट आ रही है, अवर लोड या लोड के ऊपर ऑन हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को दो रंग यानी दो कलर आएंगे, एक बार यहाँ पे येलो कलर आएगा, अभी ये ग्रीन आ रहा है, यानी अभी ये थोड़ी बहुत चार्जिंग है। येलो कलर आते हैं आप लोग समझ आओगे यहाँ पे लोड ज़्यादा हो गया। और ये हमारे सोलर प्लेट वोल्ट चार्जिंग है जो यहाँ पे शो होगा इसका। लेकिन अभी ये मैं रात की 8 बजे शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग सोच सकते हो कि इसे सूरज की किरणें नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ये अभी हमारे तो ये बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगी। लेकिन दिन के अंदर आप लोग इसे लगा के रखे हो सोलर प्लेट को इसे कनेक्ट करके, तो ये चल जाएगी। तो अभी इसे यहाँ से एक बार मैं कट देता हूँ और लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो इसका भी यही ध्यान रखना, जो हमारे प्लेट के अंदर जो प्लस है वो प्लस के अंदर लगना बहुत ज़रूरी है, तो इसके माध्यम से हमारी ये प्लेट ख़राब हो सकती है। और प्लेट के सेल ख़राब हो जाने के बाद में कुछ ही नहीं होगा, वापस रिपेयर नहीं हो सकती इसके प्लेट के। तो इस तरीके से तब इसके जो प्लस का सिरा है इसे प्लस में लगा देते हैं। ज़्यादातर हमारे हर जो आइटम है उसमें सोलर के सिस्टम पहले प्लस माइनस आते हैं, उसके बाद में ही बैटरीज के आते हैं, उसके बाद में लाइट के। तो इतना ध्यान रखना है, जैसे शॉर्ट इस पर SBL लिखा होता है, जिससे आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से करना है। हर कोई सा भी कंट्रोलर ले लीजिए आप लोग, एक साइड लुमियस और बहुत सारे लोकल कंपनी में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे कनेक्शन इसका। तो देख सकते हो यहाँ मैंने प्लस के अंदर जो सोलर का प्लस का कर दिया, यहाँ माइनस का। तो इतना काम तो हो गया। अब हमें डिश आइटम चलाने, कंट्रोलर के माध्यम से चलाना चाहते हो तो किस तरीके से चलाना है वो भी दिखा देता हूँ कंट्रोलर के माध्यम से। तो यहाँ से इसका प्लस का सिरा यहाँ इस तरीके से कर लीजिए, तो जो हमारा ये बल्ब है इस बल्ब को कुछ इस तरीके से, तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारी ये सर्विस चार्जिंग वाली ये भी लाइट आ रही है अभी, इसके साथ में ये लोड वाली भी आ रही है आप लोग देख सकते हो, और ये बल्ब स्टार्ट इस तरीके से चला सकते हो। ये तो सारे कंट्रोल के माध्यम से आप लोग डीसी आइटम चला सकते हो। ऐसे चलाने होगा तो इसके माध्यम से, चलो इससे भी अब चला के दिखा देता हूँ किस तरीके से चलाना होता। तो इसके सारे कनेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आप लोगों को सोलर का कनेक्शन करना है, फिर बैटरीज का करना है, उसके बाद में यहाँ से लाइट के कनेक्शन, और इस बल्ब के बीच में आप लोगों को वही से एक वायर, दोनों में से एक वायर को कट करना है यहाँ पे, और कट करने के बाद में बीच में स्विच लगा सकते, ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये इतना है, अभी मैं एक वायर को इसके यहाँ से वापस खोल देता हूँ इस तरीके से। इसमें अब बल्ब चला के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो इसमें लगा देता हूँ ये हमारा एस बल्ब है, तो इस बल्ब को लगा दिया, और इसके सारे इन्वर्टर के वापस कनेक्शन आप लोगों को प्लस माइनस का ही ध्यान रखना, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इसे लगा देते हैं और इसे लगा देते हैं इसे, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। डीसी आइटम भी चला सकते हो, एसी आइटम भी चला सकते हो, तो दोनों। तो यहाँ पे हमारी ये इन्वर्टर में लाइट आ गई है। इन्वर्टर में लाइट आने के बाद यहाँ आप लोगों को पीछे जो मिलता है इसमें स्लॉट हमारे प्लग वाला, तो इस प्लग में एक प्लस में एक माइनस में, ये तो आप लोगों को पता ही है, इस तरीके से चला सकते हो। तो एसी आइटम भी चला सकते हो और डीसी आइटम भी चला सकते हो कंट्रोलर के माध्यम से। आप डीसी आइटम चलाइए और एसी आइटम चलाइए हमारे इसके माध्यम से। तो इस पर बाकायदा लिखा हुआ है, इस पर हमारे पंखा आदि नहीं चलाएं, डीसी कंट्रोलर में ही है, ओवरलोड होने पर ये बंद कर दें या लोड कम करके इसे पुनः 5 मिनट बाद में चालू करें। तो कुछ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसमें ज़्यादा हमारे लोड वाले जैसे हम पंखे ऐसे भारी जो भारी आइटम हमारे वो नहीं चला सकते, जैसे हमारे ये बल्ब चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। तो जो खेतों में रहते हैं हमारे किसान भाई, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है छोटा सा आइटम ये। आप लोग ये छोटी सी प्लेट ले लीजिए, छोटा सा ये इन्वर्टर ले लीजिए, आप लोग देखिए एक सिंपल एकदम छोटा सा इन्वर्टर, छोटी सी बैटरी, इनके माध्यम से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो वो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और नाइट के अंदर वो लाइट भी जगा सकते हैं,
तो गाइस आई होप आप लोगों को ये सिस्टम भी अच्छा लगा होगा और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, जिससे मेरी वीडियो में नए नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियो बनाते रहेंगे। बस आप लोगों की कमेंट की बहुत ही ज़रूरत है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।